नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हेमा किचन। हेल्दी फूड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का रेसिपी मैं बनाऊंगी सनई का भाजी। तो ये देखिए, सनई का पौधा है तो मैं ले लेती हूँ इनका कली। ये देखिए दोस्तों, कितना फूल खिला हुआ है और फल भी लगा हुआ है। तो जो इसका कली है हमें यही लेना है, इसी का रेसिपी मैं बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से इसका जो ढोड़ा है हमें सुरुक लेना है। ये देखिए दोस्तों, इतना हमने ढोड़ा सुरुक लिया है तो मैं इसे झन्नी में रख देती हूँ डलिया में। ये देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा है जो है कि लगा हुआ है इसका ढोड़ा, तो मैं सुरुक ले रही हूँ। कलियाँ बहुत अच्छा लग रहा है सुरुकने में। तो दोस्तों, और हमने वीडियो अपलोड किया हुआ है सनई के फूल की भाजी, आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, सनई का फूल जो है कि मैं अपने हिसाब से ज़रूरत के अनुसार तोड़ ले रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, कितना अच्छा कली निकला हुआ है, कितना प्यारा लग रहा है। इसका फूल भी है साथ में और फल भी है, कली भी है। ये देखिए दोस्तों, हमने सनई अपने ज़रूरत के हिसाब से ले लिया है। चलिए दोस्तों, चलती हूँ घर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ये देखिए, यहाँ धान लगाया गया है, बहुत अच्छा फल लगा हुआ है। ये देखिए दोस्तों, मैं सनई का जो ढोड़ा है लेके आ गई हूँ घर। तो इसका जो डंठेली है साफ करके निकाल देना है। ये देखिए दोस्तों, हमने डंठेली अच्छे से साफ कर लिया हुआ है, एक भी इसमें नहीं लगा हुआ है। ये देखिए, सब निकाला हुआ है। इतना साफ पानी से अच्छे से धोना है, दो तीन बार हमें अच्छे से धो लेना है सनई का फूल। ये देखिए दोस्तों, हमने कुछ मसाला लिया हुआ है। लहसुन का कली हमने छिलका उतार के अच्छे से धो लिया है। हल्दी लिया हुआ है, गांठ हमें पीसना है, और सरसों। दोस्तों, हमारा मसाला तैयार है, हमने सिल बट्टे पे पीस लिया है अच्छे से। दोस्तों, आप चाहें धनिया और गरम मसाला डाल सकते हैं, हमारे यहाँ इसी मसाले में बनाया जाता है सनई का फूल का भाजी। तो हमने सनई का जो ये कली है अच्छे से धो लिया है, और हमें मसाला में अब अच्छे से मिलाना है। इस स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर दे रही हूँ। सभी ढोड़ों को अच्छे से मिला देना है मसाले में। सनई के कली में हमने मसाला अच्छे से लपेट दिया हुआ है, देखिए कितना अच्छे से लिपटा हुआ है। रोटी पकाने वाले तावे पे हमें बनाना है भाजी, सब्जी सनई का फूल का। तो मैं इस पे तेल डाल दे रही हूँ सरसों का। मसाले से लिपटा हुआ सनई का कली मैं अब तेल में ऐड कर दे रही हूँ। दोस्तों, सनई के फूल के भाजी में थोड़ा ज़्यादा तेल डाला जाता है, तो इसे मैं पलटे से पलट दे रही हूँ। ये देखिए दोस्तों, मैं बढ़िया से चला दे रही हूँ और अच्छे से पकाना है गोल्डन कलर का। दोस्तों, यदि आपने इस तरीके से नहीं ट्राई किया है तो ज़रूर बना के खाइएगा अपने घर पे। हमें कमेंट करके बताइएगा कैसे बना हुआ है आपका सब्जी। दोस्तों, सनई की फूल की जो सब्जी है ना, बहुत स्वादिष्ट टेस्टी लगती है, एकदम इसका स्वाद छोटी मछली की तरह लगता है। दोस्तों, ये सब्जी आप दाल चावल रोटी के साथ में खा सकते हैं, बहुत गजब लगती है ये सब्जी। हमने इसको पहले तेजी आंच में पकाया हुआ है, अब मीडियम आंच में पका लेना है अच्छे से। देखिए कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए दोस्तों, सनई की फूल की भाजी हमारी बनके तैयार है। ये देखिए, तावे में चिपकने लगी है, पक चुकी है बढ़िया से, स्वाद से एकदम भरपूर है। तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ एक प्लेट में। सब्जी को हमने एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है। दोस्तों, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब मिलूंगी आने वाली दूसरी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।